सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली मक स्विच के बारे में, या फिर कुछ लोग इसे एडवांस ऑप्टिमस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है और लैपटॉप्स में इसे क्यों दिया जाता है, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि मक स्विच आखिर होता क्या है। बेसिकली जब भी आप कोई लैपटॉप देखते हैं, गेमिंग लैपटॉप, उसमें दो GPUs का इस्तेमाल किया जाता है, एक डेडिकेटेड GPU और एक इंटीग्रेटेड GPU। डेडिकेटेड GPU डिपेंड करता है आपका लैपटॉप किस प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली अगर आपका लैपटॉप एक इंटेल के प्रोसेसर पर बेस्ड है तो आपको इंटेल की तरफ से आने वाले आयरिस इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, और अगर आपका लैपटॉप AMD के प्रोसेसर पर बेस्ड है तो आपको AMD की तरफ से आने वाले रेडियन ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे अपने लैपटॉप के अंदर। बेसिकली ऑप्टिमस या एडवांस ऑप्टिमस, या फिर हम मक स्विच भी कह सकते हैं, ये क्या करता है, जब आप गेमिंग कर रहे हो तो आपके जो डिस्प्ले का आउटपुट होता है या जो आपका जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है उसे डायरेक्टली डिस्प्ले से कनेक्ट कर देता है। बेसिकली लैपटॉप्स के अंदर क्या होता है, पहले जो ग्राफिक्स का आउटपुट है वो इंटीग्रेटेड GPU पे ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद वो डिस्प्ले पे शो किया जाता है। लेकिन अगर आप मक स्विच का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको फ्रेम रेट्स में जो आप गेम प्ले कर रहे हैं उसके अंदर बूस्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली 5-10% का बूस्ट देखने को मिलता है मक स्विच के यूज़ करने से। ये क्या करता है, इंटीग्रेटेड GPU को टोटली डिसकनेक्ट कर देता है और सीधा जो है डेडिकेटेड GPU से आपको ग्राफिक्स पावर देता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, बेसिकली आपको बेटर FPS मिलते हैं, लैग कम हो जाता है, इनपुट लेटेंसी कम हो जाती है और बहुत सारे एडवांटेजेस के देखने के मिलते हैं। तो अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे तो फिर लैपटॉप के अंदर ऑप्टिमस दिया ही क्यों जाता है जब वो परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देता है। बेसिकली इसका रीज़न होता है बैटरी लाइफ के लिए। जो लैपटॉप्स होते हैं गेमिंग लैपटॉप, उनके अंदर बेहतरीन बैटरी लाइफ आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो उनका बैटरी बैकअप इम्प्रूव करने के लिए उनके अंदर ऑप्टिमस या मक स्विच दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जब आप लाइट वर्क कर रहे हो, जैसे बेसिकली आप कुछ प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो, तो आपका जो लैपटॉप है वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड GPU पे चला जाता है, ताकि जो वो है पावर को सेव कर सके, बैटरी को बचा सके, ताकि आपको लॉन्गर बैटरी लाइफ मिल सके। अब हम समझते हैं बेसिकली ये सब होता कैसे। बेसिकली एक मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसी को मक स्विच कहा जाता है। मक स्विच या मल्टीप्लेक्सर कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब बेसिकली ये एक मल्टीपल इनपुट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एक डेडिकेटेड आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। बेसिकली इस पर दो इनपुट्स क्या होंगे, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड से इनपुट और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड से इनपुट। फिर ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड करेगा कि बेसिकली हमें कहाँ से आउटपुट चाहिए, डेडिकेटेड GPU से या इंटीग्रेटेड GPU से। तो इस प्रकार जो है एक मल्टीप्लेक्सर काम करता है। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।